नमस्कार दोस्तों, वीडियो देखने से पहले चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी दबा लीजिए। दिल्ली चीन की कंपनी शाओमी लगातार नई टेक्नोलॉजी ला रही है। कंपनी अब एक खास टेक्नोलॉजी लाई है, इससे आपका फोन सिर्फ 17 मिनट में फुल चार्ज हो जाएगा। शाओमी ने अपनी 100W सुपर चार्ज टर्बो फास्ट चार्जिंग टेक्नोलॉजी की घोषणा की है। कंपनी का दावा है कि इससे बैटरी वाला फोन सिर्फ 17 मिनट में फुल चार्ज होगा। हवाए हाल में अपने फोल्डेबल फोन में ट्रेक्स के लिए 55W का चार्जर लेकर आई थी, जिसे काफी तेज माना गया था। शाओमी के चेयरमैन ने शेयर किया चार्जिंग से जुड़ा वीडियो। शाओमी के चेयरमैन लिन बिन ने सोशल नेटवर्क वेबो पर एक वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो में दिखाया गया है कि शाओमी की 100W वाली सुपर चार्ज टर्बो फास्ट चार्जिंग टेक्नोलॉजी से की बैटरी वाला फोन सिर्फ 7 मिनट में 0-50% चार्ज हो जाता है। वहीं 50-100% चार्ज होने में इस फोन को 10 मिनट और लगते हैं, यानी 17 मिनट में यह फोन फुल चार्ज हो जाता है। यह टेक्नोलॉजी ओप्पो की सुपर वीओसी चार्जिंग से 2 गुनी फास्ट है। ओप्पो की सुपर वीओसी चार्जिंग से बैटरी वाला फोन 17 मिनट में 65% चार्ज ही होता है। पहले रेडमी के फोन में आ सकती है यह टेक्नोलॉजी। रेडमी के हेड लू वीबिन ने भी घोषणा की है कि यह टेक्नोलॉजी पहले से मास प्रोडक्शन में है और रेडमी के फोन पहले इन्हें अपनाएंगे। हालांकि शाओमी के इस टेक्नोलॉजी के बारे में अभी और डिटेल्स नहीं मिल पाए हैं। कंपनी ने अभी यह भी नहीं बताया है कि यह टेक्नोलॉजी कब मार्केट में लॉन्च होगी और सबसे पहले इसे किस शाओमी के फोन के साथ इंटीग्रेट किया जाएगा। हालांकि वीबिन ने वेबो पर सबसे पहले यह घोषणा की है कि सुपर चार्ज टर्बो पहले से मास प्रोडक्शन में है, ऐसे में रेडमी के फोन में इसे इंटीग्रेट किया जा सकता है।